कानपुर सेंट्रल स्टेशन के नए उप मुख्य यातायात प्रबंधक आशुतोष सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन के कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से बातचीत की। सेंट्रल स्टेशन के नए CTM आशुतोष सिंह का आगरा से कानपुर स्थानांतरण किया गया, जिसके तहत उन्होंने कार्यभार ग्रहण करते हुए स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने RPF कमांड कंट्रोल रूम का जायजा लिया, जहां RPF द्वारा उन्हें CCTV स्क्रीन की समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने टिकट परीक्षक कार्यालय, कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र, वेटिंग एरिया समेत कई विभागों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेशन की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। गर्मी के चलते पानी की कमी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं स्टॉल पर ओवर चार्जिंग ना हो, इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्टेशन परिसर के पेंडिंग कार्यों को पूरा कराया जाएगा। सर, आज पहला चार्ज दिया है, निरीक्षण क्या पाया है? निरीक्षण में भी तो हमने पूर्व पर से निरीक्षण किया है, देखा है स्टाफ कैसे कार्य कर रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे हैं पब्लिक इम्यूनिटी की, बुकिंग काउंटर जैसे हैं, रिजर्वेशन काउंटर्स हैं, कुछ जो कार्य चल रहे हैं यहाँ पे और भी कस्टमी फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, उनका क्या स्टेटस है, प्लस आगे जैसे यहाँ पे पता हुआ कि स्टेशन डेवलपमेंट भी होना है आगरा कानपुर स्टेशन का, तो उसमें थोड़ा डिस्कशन कर रहा था जो लोग थे यहाँ के स्टाफ, क्या क्या यहाँ पे बदलाव होने हैं। तो सभी लोग ठीक दिखे, अभी जो सफाई वगैरह भी आप लोग देखते होंगे स्टेशन पे काफ़ी बढ़िया है। सारे स्टाफ अभी थे अपने जो उनको नॉमिनेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पे लगे हुए थे। सर, आपको सेंट्रल स्टेशन का मत दिखाया, बहुत सी ट्रेनें यहाँ पे 300 ट्रेनों का आवागमन, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो काफ़ी टाइम से है, पानी को लेकर। अच्छा, तो अगर ट्रेन का जब आना तो जो वाटर कूलर वगैरह ये बंद हो जाते हैं, उसको भी तरह नहीं है फेस करेंगे काफ़ी लोगों ने। अब आपने बताई है समस्या, इसको देखते हैं जब क्या है समस्या है, कितनी समस्या है, क्योंकि आपने ही बताया भी मुझे है। तो अगर ऐसी समस्या है कि ट्रेन आने के समय पे वाटर कूलर बंद हो जा रहे हैं, तो इसको हम लोग निश्चित तौर पर देखेंगे, और जो भी इसके कारण होंगे, तो दोषी होगा जानबूझ के बंद कर रहा है, तो इसको ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और अगर पानी की कमी है तो कुछ और कारण आता है, उसके ऊपर भी उचित करेंगे। उन्होंने अभी अभियान चलाया 15 दिन का, उसमें उन्होंने इस चीज को पाया कि सबसे ज्यादा समस्या यहाँ मिली ओवर चार्जिंग, चाहे कोल्ड ड्रिंक में पानी में, चाहे चिप्स वगैरह, तो उसको लेकर उन्होंने कई स्टॉलों को 15 दिन में कम से कम 8 स्टॉलों को सीज किया था, नहीं ये तो कार्रवाई होती रहती है रेगुलर बेसिस पे। मैं पहले भी DCM रहा हूँ, तो ये तो समस्या है, इसके ऊपर कार्रवाई होती रहती है, कंप्लेंट्स मिलती है हम लोगों को, कई माध्यम रेलवे ने बनाए हुए हैं, ट्विटर है, रेल मदद है, सारी पे हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं, उसकी इंक्वायरी भी करते हैं। दोषी जो पाए जाते हैं उनके ऊपर जो टेंडर की शर्तें हैं, हर में टेंडर की शर्त होती है, टेंडर की शर्तों के हिसाब से उनके ऊपर उचित पेनल्टी भी लगाई जाती है। आप बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट हर महीने में कई सारे पेनल्टीज लगाई जाती हैं, और कई सोर्सेस के थ्रू लगाई जाती हैं, कुछ पब्लिक कंप्लेंट के थ्रू हो जाती हैं, कुछ सुपरवाइजर्स निरीक्षण करते हैं वो गंभीर पाए उनके ऊपर लगती है, इसके अलावा अधिकारी निरीक्षण करते हैं उनको मिली उनके अलावा करते हैं। केवल ओवर चार्जिंग नहीं है, और भी तरह की समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो जैसे ही इस पर मिलेगा कोई, हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और एक अभियान जो आप बता रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।